सिडू फेमड़ा तो बताओ, आज तक हमने कभी सुना ही नहीं किसी से कि ये भी होता है। बुरा इतना हिमाचल घूम लिया लेकिन किसी ने नहीं बताया कि सिडू फेमड़ा नाम की भी चीज होती है। सबने बोला सिडू होता है, ये फेमड़ा नहीं किसी ने बताया। नमस्कार फ्रेंड्स, वीजा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपका होस्ट हरीश बाली। इस समय हम तीर्थन वैली में हैं। कल रात में हम बंजार में रुके, 4 किलोमीटर का सफर करके आज हम तीर्थन घूमने के लिए जा रहे हैं। बंजार से जैसे आप तीर्थन की तरफ जाते हो ना, ये लंबा सफ़र नहीं है, 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर का ही सफ़र है, तो वैली तो स्टार्ट हो जाती है। अभी हम 4 किलोमीटर आ गए और हमने यहाँ पर तीर्थन रिवर का ऊपर से व्यू देखा है। सामने सस्पेंशन ब्रिज भी है, यहाँ से नीचे चलते हैं और ब्रिज के ऊपर खड़े होके पानी के बहाव को नज़दीक से देखते हैं। खूबसूरत नजारा है, सो ब्यूटीफुल। इस समय देखिए हम सस्पेंशन ब्रिज के ऊपर खड़े हैं, हल्का हल्का ब्रिज हिल रहा है और पानी देखो कितना मस्त लग रहा है ना। इस समय मेन जो बात है ना, पानी का करंट, सो ब्यूटीफुल। सही है, ग्रेट एक्सपीरियंस। अब हम यहाँ से आगे की ओर चल रहे हैं। हमारा अगला डेस्टिनेशन होगा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क का इंफॉर्मेशन सेंटर। पिछले 2 दिन से मैं नोटिस कर रहा हूँ, इस एरिया में सारी की सारी जो रोड्स हैं ना, वो सिंगल रोड्स हैं। यानी अगर सामने से कोई बड़ी गाड़ी आ जाए तो एक गाड़ी को रुकना पड़ेगा दूसरे को पास देने के लिए। ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ख़ास तौर पे तब अगर आप अपनी गाड़ी लेके यहाँ पे आ रहे हैं तो आपको काफ़ी ध्यान से गाड़ी चलानी चाहिए। दस मिनट का सफ़र करके हम ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क गए। यहाँ पर इंफॉर्मेशन सेंटर है, इस समय यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो हम आगे चलते हैं और कल वापस हम यहाँ पर लौट कर आएंगे। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क से हमने 5 किलोमीटर का सफर किया। नदी किनारे चलते चलते अभी हम गोशैनी ब्रिज के पास तक आ चुके हैं। सची यहाँ से इस रोड से चले जाएंगे तो 17 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है और बटाहड़ गांव जो है ये 11 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। यहाँ से आगे जाएंगे तो गोशैनी होते हुए बटाहड़ पहुँच जाएंगे, तो रिटर्न में हम बटाहड़ भी जाएंगे और ब्रिज के ऊपर खड़े होंगे। वाह वाह वाह, क्या बात है, मजा खूब आ रहा है। ये देखो इधर से एक चीज देखो, सामने बड़ी सी चट्टान है तो वहां से ऐसा लग रहा है पानी का एक स्टेप बन रहा है, पानी नीचे उतर रहा है और फिर चट्टानों से टकराता हुआ तेज रफ्तार में आगे बढ़ रहा है। मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया था ना, ये तीर्थन रिवर है और कुछ लोग वहां पर पानी में पांव डाल के बैठे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। ये सारे जो प्रॉपर्टीज आप देख रहे हो इधर को भी और यहाँ पर देखो, ये सारे के सारे होमस्टेज हैं, गेस्ट हाउसेज हैं। पीछे आते समय मैंने त्रिशला करके भी एक होमस्टे था या गेस्ट हाउस था देखा था, तो वो भी रिवर साइड था और सारे रिवर साइड ही हैं। ब्यूटीफुल, सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। मैंने काफ़ी लोगों से सुना था तीर्थन वैली के बारे में कि आप यहाँ पर जाओ आपको एक बहुत डिफरेंट अनुभव होगा, और कल से हम अनुभव ले ही रहे हैं।
और आज भी देखो सुबह से कितने अच्छी दिन की शुरुआत हुई है। चलिए हम 5 से 7 मिनट यहाँ पे टहलते हैं, फिर हम यहाँ से सारची गांव की ओर जाएंगे और फिर लौटकर इधर ही आएंगे। हम सारची गांव पहुंच चुके हैं। बंजार से यहां तक का जो टोटल डिस्टेंस है ये 28 किलोमीटर का है। पूरे रास्ते का नहीं, आखिरी गांव है, इसके आगे कोई गांव नहीं है। और अगर कोई गांव है भी, जैसे मान लो थोड़ा सा ऊपर जाके आपको आधा किलोमीटर पे गांव दिखाई देगा, तो वो इसी गांव का एक्सटेंशन है। यहां पर खड़े होके ना जो आम घर मेरे को दिखाई दे रहे हैं, या तो वो लकड़ी से बने हुए हैं या मड से बने हैं। जैसे मेरे सामने ही आप ये घर देख लो, ये मड से बना है, ये वाला घर भी मड से है, तो कॉन्क्रीट के घर थोड़े से कम है। शायद यहाँ से खड़े होकर मैं 2 या 3 ही देख पा रहा हूँ। यहाँ पर हमारे एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, सामने नाम भी लिखा है इनका, सारची ग्रीन वैली होमस्टे। हम इनको जाके मिलेंगे और फिर सारची गांव इनके साथ घूमेंगे। आइए जी, सारची गांव में मेरी मुलाकात दिनेश भाई से हो गई है। दिनेश भाई, गाँव तो बड़ा प्यारा है आपका, बहुत खूबसूरत गाँव है। खूबसूरत है सर। ये पीछे क्या काम चल रहा है? ये कुंडे एक सर हमारा, हम लोग यहाँ पे टूरिस्ट को आकर्षित करने के लिए फ्लावरिंग कर रहे हैं। अच्छा, सफाई करके फ्लावर्स लगेंगे, ब्यूटीफुल। चलेंगे? हाँ जी सर, चलो। तो ये सब लोग रहते हैं यहाँ पे? हाँ सर, रहते हैं इसमें मतलब 2-3 फैमिलियाँ रहती है। तो दिनेश भाई, गांव में टोटल घर कितने हैं? टोटल घर सर 70-80 से ऊपर होंगे, और इसमें 60 घर काटकुनी के बने हैं, मतलब लकड़ी और मिट्टी, लकड़ी और मिट्टी के, और बाकी सब कंक्रीट और इसके। हाँ, वही देखने से भी ऐसा ही लग रहा है। सही है। कहाँ पर है आपका घर? ये सामने, ये वाला। अच्छा, ये घर देखो कितना प्यारा लग रहा है ना। अच्छा। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में जूस आपको जगह जगह पीने को मिलेगा। इसमें ना देखिए बहुत सारी हेल्थ प्रॉपर्टीज भी होती हैं। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए अच्छा है, हार्ट पेशेंट्स के लिए अच्छा है। मेरे कुछ देर पहले दिनेश भाई बताया कि नाक से जिनके खून बहता है उनके लिए भी, मतलब कई लोगों को बाई चांस नाक से खून आ जाता है ना, गर्मी के कारण हो जाता है, मतलब उसके लिए एकदम बेटर रहता है। सही है, मतलब बहुत माइल्ड सा टेस्ट है। आपके पास जो रहने की सुविधा है यहाँ पर, जो आपने कुछ देर पहले मेरे को रूम दिखाया ना, एक इधर है, तो क्या चार्ज लेते हो? हम लोग 1500 लेते हैं सर, प्लस इसमें अपना ब्रेकफास्ट रहता है। इंक्लूड है? वेरी गुड, बेहतरीन। तो इस गांव में कितने होमस्टेज हैं? इस गांव में 3 होमस्टे हैं, और 2 वुडन के बने हैं काटकुनी वाले, और 1 कॉन्क्रीट का है। बढ़िया। तो आपने कुछ खाने का भी प्रबंध किया, कुछ लोकल फूड? हाँ, ब्रेकफास्ट अच्छे से बनाया, लोकल फूड बनाया। बढ़िया। तो बाहर कहीं बैठ के खाएंगे अच्छा रहेगा ना? हाँ बढ़िया, बाहर में धूप हाँ। बढ़िया निकली हुई है। हम देखिए नाश्ते में यहाँ पर क्या खा रहे हैं। चिलड़ा, ये तो मेरे को याद हो गया नाम इसका। साथ में दिनेश भाई ने बताया कि ये जो चटनी आपको दी गई है ना खाने के लिए, बिच्छू बूटी, इसको बिच्छू बूटी बोलते हैं, क्योंकि बिच्छू घास को इस्तेमाल किया गया इस चटनी को बनाने में। साथ में धनिया और हरी मिर्च तो है ही, साथ में टमाटर भी है। बिच्छू घास ये है सामने, ठीक है, एक इधर है, और ये सब बिच्छू घास लगी हुई है ऊपर। अब बिच्छू घास को हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में तो कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। एक बार मुझे भी याद है मैंने गलती से इसकी पत्ती पर हाथ लगा दिया, तो इतना मेरे को ऐसा लगा जैसे बिच्छू ने डंक मार लिया हो। तब से मेरे को याद है, मैं दोबारा से कभी गलती नहीं करूँगा इसको हाथ लगाने की। एनीवेज, अच्छा इसको आपने कैसे बनाया, क्या क्या इसमें? इसमें हमने पहले चावल और लस्सी को बॉईल किया, और बाद में इसमें हमने आटे का सिड्डू इसमें डाला, और इसको कम से कम हम लोगों को 30 मिनट तक उबालना पड़ता है, और काफ़ी अच्छा टेस्टी बनता है। कितनी ज़बरदस्त रेसिपी है। ये सिड्डू है ना? सिड्डू मतलब ये आटे का बना हुआ? आटे का। लवली। तो अभी ये ले लेते हैं, और साथ में इन्होंने हमें लस्सी दिया पीने को। तो वैसे चिलड़ा को ना घी के साथ भी लोग खाते हैं, चटनी के साथ भी खाते हैं, अपने टेस्ट की बात, आपको कैसा पसंद आता है?
एक बात है, ये बिच्छू बूटी की जो चटनी है इसके साथ इसका स्वाद बहुत ज़्यादा अलग आ रहा है, क्योंकि मैंने घी के साथ खाया था, वो चीज़ अलग है। तो वैसे ये भी कर सकते हैं, इसमें हम थोड़ा सा घी ऐड कर दें और साथ में ये भी करें तो और अच्छा आएगा ना। बहुत अच्छा लगेगा। अपने पास है अभी घी? हाँ, घी है। तो थोड़ा सा लाएंगे क्या? थोड़ा सा। क्रिकेट बहुत है यहाँ पे, मतलब घूमती रहती है, घूमती रहती है। तो इससे किसी प्रकार का खतरा? इससे कोई खतरा नहीं है। कोई खतरा नहीं है। माता जी नमस्ते। नमस्ते। बहुत बढ़िया। तो ये घी आपने घर में बनाया? हाँ जी, अपने गाय का, देसी गाय का। तो कितनी गाय हैं आपके पास? एक ही गाय है। एक गाय है, खुद घी बनाते हो? हाँ जी, हाँ जी। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप तो अपने घर पे ऐसा रूटीन में चिड़ला खाते हो? हाँ जी, बहुत ज्यादा। सिड्डू बनाते हो, चिड़ला बनाते हो? हाँ जी, जो ये सिड्डू फेमड़ा सब। सिड्डू फेमड़ा तो बताओ, आज तक हमने कभी सुना ही नहीं किसी से कि ये भी होता है। पूरा इतना हिमाचल घूम लिया लेकिन किसी ने नहीं बताया कि सिड्डू फेमड़ा नाम की भी चीज होती है। सबने बोला सिड्डू होता है, ये फेमड़ा नहीं किसी ने बताया। फेमड़ा और है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दिनेश भाई एक बात है, घी डालते टेस्ट में जान आ गई है। मतलब मैथ्स की भाषा में बोलेंगे तो बोलेगा मल्टीप्लाइड बाय टू हो गया। आपने लस्सी है जो छाछ या जो इस्तेमाल किया है उसमें हल्की हल्की खटास है? इसमें खटास ही रहती है। और साथ में चावल के साथ गजब कॉम्बिनेशन, और ये सिड्डू बना के डाल दिया, ये तो कमाल ही कर दिया। सिड्डू के अंदर ना एक स्टफिंग होती है, तो यहाँ पे अंदर स्टफिंग नहीं है तो हमें स्टफिंग का स्वाद आता है। और सिड्डू एकदम गर्म गर्म खाओ तो अलग चीज़ है, दो घंटे बाद खाओ तो अलग स्वाद है। अब क्योंकि हम आपके पास आने में हो गए लेट, तो जाहिर है आपने सिड्डू पहले बना लिया था। मैं गलत तो नहीं बोल रहा ना? सही है, सही। तो अभी मुझे इस मोमेंट में पता क्या लग रहा है, मैं सिड्डू फेमड़ा में से सिड्डू को छोड़ दूँ और फेमड़ा खा लूँ। भाई ये तो बहुत टेस्टी रहता है। हाँ, ये बड़ा स्वाद है। आपके यहाँ पर मिडोज भी है ना, वहाँ पहुँचने का रास्ता कितना देर का है? 15 मिनट हमको लगेगा, 40 से 50 मिनट आपको लगेगी। थोड़ा चढ़ाई चढ़ना पड़ता है? थोड़ा सा, हल्का सा चढ़ाई चढ़ना पड़ेगा। हम तो शायद वहाँ नहीं जाएंगे, और वहाँ जब जाते हैं तो क्या देखने को मिलता है? वहाँ से व्यूज़ बहुत अच्छे आते हैं, अपना लामरी टॉप का ही बहुत अच्छा आता है, बिस्लियो टॉप का ही बहुत अच्छा आता है, अब तीर्थ का वो भी स्नो पिक भी बहुत अच्छी दिखती है वहाँ से, और व्यूज़ भी बहुत अच्छा आता है उधर का। ग्रेट है, सही है। आपके पास आके ना ये नाश्ता करना, और थोड़ा आपने गाँव के बारे में जानकारी दी, हमने सब कुछ क्लोजअप में देखा। हमारे साथ इस समय सारची गांव के कुछ निवासी हैं। मैंने इनको रिक्वेस्ट करी है कि हमें कोई हिमाचली गाना सुनाएं, तो कोई ऐसा गाना जैसे आपके यहाँ शादी ब्याह के समय गाया जाता हो, या आप खेत में हैं, ऐसा कुछ गाने की कुछ लाइनें हमें सुना सकते हैं? ठंडा पानी तेरे नालूरा, भात खाना एक ही थालूरा, बोला थालूरा, संगे तीगे साऊगियो जीना, भात खाना एक ही थालूरा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा सुनकर। अभी देखिए जहाँ पर हमने ब्रेकफास्ट किया था ना, वहाँ से हम थोड़ा सा आगे 200 मीटर आगे आए हुए हैं, तो यहाँ पर एंड है, इसके आगे कोई रास्ता नहीं है। वैसे रास्ता तो है लेकिन टूरिस्ट को समझ में नहीं आएगा कहाँ जाना है, ये लोग तो जंगल को जाता रास्ता। अच्छा, थोड़ा सा आप मुझे जानकारी दे सकते हैं कि वो जो रास्ता बना हुआ है सामने, वो रास्ता कहाँ जा रहा है? वो तो बठाड़। अच्छा, तो हमें बठाड़ जाना है, तो इसको देख कर हम ये समझ रहे हैं कि इस समय हम ज़्यादा हाइट में हैं। हम 7200 फीट हाइट पर हैं और बठाड़ नीचे है, इतना तो नहीं है। और रास्ता देखो कैसे सीधा वहाँ जाता है, फिर उल्टा आता है, फिर ज़िगज़ैग होके रिटर्न, फिर सीधे निकल जाता है बठाड़। पीछे जो पहाड़ है उसके ऊपर हमें बर्फ़ दिखाई दे रही है, ये तीर्थ है? हाँ जी, तीर्थ है। समझ गए। तो मैंने कुछ देर पहले जिक्र किया था कि तीर्थ से तीर्थन नदी आ रही है, आ रही है। हाँ जी। और
पीछे कुंड है, कुंड का क्या नाम है? हंस कुंड। तो आप में से कोई कभी हंस कुंड गया? नहीं जी, हमने टिट्टू गया है, दिनेश गया है। तो दिनेश भाई जो भी नाश्ता किया हमने। अच्छा चलो, हम दिनेश भाई से हंस कुंड के बारे में भी कुछ जान लेंगे, कितना टाइम लगा था पहुँचने के लिए और जाया जा सकता है कि नहीं जाया जा सकता। बाकी आप सबको हमारी तरफ से धन्यवाद। दिनेश भाई आप हंसकुंड गए हो ना, बताओ रास्ता कैसा है, कितने दिन लगे आपको जाने में? 4 दिन लगे थे, और उधर मतलब जाने में रास्ता भी उधर काफ़ी डेंजरस है, और जहाँ उधर जब हम लोग पहुँचे एकदम मस्त वो प्लेस था। और उधर 2 कुंड है, और एक हंसकुंड और एक कालकुंड। उसमें एक कालकुंड का पानी काला रहता है, हंसकुंड का पानी सेम जैसे और नॉर्मल पानी रहता है। काला क्यों रहता है पानी? वो हम लोगों को बताते हैं कि लोग काफ़ी पुराने टाइम से अगर उस पानी को हम लोग टच करेंगे ना तो हमारे शरीर में कोर निकल जाएगा, हमारी भाषा में कोर बोलते हैं, मतलब उसको उस शरीर में कुछ निकल जाएगा अगर उस पानी को छुएंगे। मतलब हम लोग जब उस जगह पे पहुँचे हैं, मतलब इतना भूल जाओ कि हम लोग कहाँ पे पहुँचे हो, ऐसा पता नहीं चलता कि मतलब हम लोग एकदम स्वर्ग में है, ऐसी फीलिंग आती है, मतलब सेम ऐसी फीलिंग आती है। वैसे तो यहीं पे आके हमें लग रहा है हम स्वर्ग में आ गए। उसकी फीलिंग तो मतलब आप लोगों का जब जाओगे तो लगेगा कि भाई हम लोग कहाँ पे पहुँचे। इतनी खूबसूरत जगह है, मतलब बहुत खूबसूरत जगह है। तो आप वहाँ पर रुके रात को? हम लोग रात को रुके और सुबह हमें वहाँ से निकलना पड़ा, क्योंकि हम लोग बहुत सारे लोग को साथ में लेके गए थे ना। तो आप ऐसे टूर गाइड गए थे ट्रैकिंग के पॉइंट से? ट्रैकिंग के पॉइंट हम लोग टूर गाइड गए थे। तो 4 दिन जाना, 4 दिन आना, 1 दिन वहाँ, बस। तो 9 दिन का टूर था? वही 9 दिन का था हमारा। तो क्या कठिन है वहाँ जाना? मतलब उतना कठिन भी नहीं है, कुछ जगह पे रिवर वाली साइड भी जगह है ना, ज़्यादा दिक्कत वाला नहीं, एकदम सही वाला रास्ता है। और जब ऊपर पहुँच के आप लोग देखोगे तो बहुत ही खूबसूरत है। अच्छा जी, वैसे ना वो दिखाई दे रहा है ना पीछे? हाँ जी, वो सामने जो ये पिक दिखाई दे रही है, हाँ। ये पूरा जो तीर्थ का एरिया है जहाँ से तीर्थन रिवर भी आती है, वो वहीं से आती है। आप पूरी रिवर देख सकते हो कहाँ से तीर्थन रिवर स्टार्ट है, वहाँ जाके दिखता है। हाँ, वहाँ से पूरा दिखेगा कि यहीं से ये रिवर स्टार्ट है, और आप पूरा इसको एंड लार्जी तक देख सकते हैं पूरा कि कैसे है। अच्छा जी, तो अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो ऑर्गेनाइज किया जा सकता है? हाँ जी, मतलब वैसे 5-6-7 लोग मिलकर आराम से जाके देख सकते हैं। चलो थोड़ा बाहर की ओर चलेंगे, चलो आइए। हम बाहर तक आ गए हैं। मैं दिनेश भाई से पूछ रहा था अगर किसी को बस पे आना है तो क्या सिस्टम है, तो आपने बताया कि सुबह 8 बजे यहाँ से बंजारा बस जाती है, दिन में और कोई दूसरी बस नहीं है, और बंजारा से यहाँ आना है तो शाम को 4 बजे 4 बजे चली और यहाँ 1.5 घंटे में आ जाएगी। सही है। और वैसे अगर आप ड्रॉप या पिकअप करवाना चाहते हो टैक्सी से तो बंजारा के बस स्टैंड से इजीली मिल जाती है, और यहाँ भी गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं। धन्यवाद, थैंक्स, बहुत बढ़िया। आपका नंबर हमें मिल गया, ये बोर्ड पे लिखा हुआ है, और थैंक यू, बाय। चलो नीचे उतर कर हम गुशैनी गांव पहुंच चुके हैं। अब मैं ऐसे जंक्शन पर आया हूं, यहां से अगर हम सीधे चले जाएंगे तो पेखड़ी पहुंच जाएंगे, सामने लिखा हुआ है ना पेखड़ी 9 किलोमीटर। हम जा रहे हैं बटाहड़, सामने लिखा है 10 किलोमीटर इस तरफ से, ठीक है। पेखड़ी यहां का आखिरी गांव है, और बटाहड़ चलकर हमने लंच भी करना है और वहाँ का विलेज भी देखना है। सबसे पहले मैं आपको आगे चल कर ना 2 नदियों का संगम दिखाता हूँ इस ब्रिज के ऊपर से। देखिए इस तरफ से तीर्थन नदी आ रही है, सही लग रहा ना, नदी की रफ्तार देखो, और इस तरफ से फलाचन नदी आ रही है। दोनों नदियों का संगम वो सामने हो रहा है, एकदम क्लियर संगम दिखाई दे रहा है। फलाचन नदी इसलिए क्योंकि आगे जो वैली है उसका नाम फलाचन वैली है, तो वैली के नाम से ही ये नदी है। सो ब्यूटिफुल, कुछ सीढ़ियाँ उतर कर हम नदी के संगम पॉइंट तक आ गए हैं। ये तीर्थन नदी है, पानी पहले तो आप देखो साफ कितना है, जहाँ मैं बैठा हूँ ना यहाँ नीचे के जो छोटे छोटे पत्थर है ना आर पार दिखाई दे रहे हैं, कम से कम 1 फीट नीचे मैं देख पा रहा हूँ, और इधर तो ज़्यादा नीचे दिख रहा है। और सामने से फलाचन नदी आ रही है, वो पत्थरों से टकराती यहाँ पर संगम हो रहा है। अब फलाचन और तीर्थन मिलकर बना रही हैं तीर्थन नदी। मैंने आपको पहले भी बताया था ये तीर्थन नदी आगे चलकर ब्यास को मिल जाएगी लारजी में, और वहाँ से वो बन जाएगी ब्यास। और फलाचन नदी
जिस रास्ते से आ रही है अभी हमको उसी रास्ते से ऊपर जाना है, यानी आगे चलकर हम फलाचन नदी को नज़दीक से देखेंगे। लवली, ये जगह तो ऐसी है कि घंटा भर तो आप इधर ही बैठ सकते हो। अब जैसे देखो आज 15 मई है, तो इस समय दिल्ली में मैंने पहले भी बताया था 45-46 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, और यहाँ पर हम धूप में ऐसे बैठे हैं जैसे कुछ है ही नहीं। तो मतलब बड़ा अच्छा सा माहौल है, और रात के समय ठंडा हो जाता है, आपको पंखा लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन एक नंबर पे हम पंखा बहुत है, इससे ऊपर ज़रूरत नहीं है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। हम बठाड़ गांव पहुंच चुके हैं, सही लग रहा है, हवा तेज़ चल रही है, और यहां खड़े होके अच्छा तो बहुत लग रहा है। ओ गॉड, ये देखो जी, जन्नत जैसी जगह है, और वहां पर ही हाल कर रखा है। बठाड़ गांव में हमारे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हेवर राम जी हैं। जी नमस्कार, आपका यहां आने पे स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले ये चीज़ बताइए कि ये कितना बड़ा गांव है, कितने घर होंगे यहाँ पे? सर ये 3 तरह के हैं, उपला भठार, निचला भठार और भठार। इसमें जो है लगभग 50 घर हैं सर। छोटा गांव है? छोटा गांव है। तो आपका ये घर है ना? जी सर, ये घर है मेरा। तो आपका यहाँ पे होम स्टे है? जी सर, मैं होम स्टे चलाने वाला हूँ, अभी तो शुरू नहीं किया है, लेकिन रेनोवेशन चली है, ये होम स्टे चलाऊँगा मैं सर अपना घर करके। कुछ आपने अभी खाने में रेडी किया? सर खाने में मैंने ट्रेडिशनल फूड बनाया है। क्या बात, तो हमें ऊपर चले आपके साथ? जी सर। मैंने कुछ देर पहले भी जब नीचे खड़ा था ना, तो महसूस कर रहा था आपके घर का डिज़ाइन बहुत बढ़िया बना हुआ है। सर ये काटकुनी शैली का घर है, जो भूकंप रोधी होता है और सेम मेंटेन टेम्परेचर रहता है। लगभग ये जो है लकड़ी और पत्थर से बनाया जाता है, दोनों के कॉम्बिनेशन से, जो हमारे हिमाचल में एक शैली है जिसको काटकुनी शैली कहते हैं सर। आइए जी। ब्यूटीफुल। इसकी दीवार जो है 18 इंच का रहती है सर। अच्छा। ऐसे ही, अंजी। ठेवा राम जी, आपने हमारे लिए बहुत कुछ रेडी कर दिया है, अब बेहतर रहेगा आप ही बता दीजिए ऐसा करके ये क्या क्या है। ये छोटरा है, इसको बहुत बड़े आकार में बनाया जाता है, आटे का बनता है, आपको छोटा सा इसका टुकड़ा सर्व करवाया है। और ये पिए हैं, ये आटे की ही बनती है। ये चिलड़ा है, ये भी आटे की ही बनता है। और ये जो है देसी घी है, ये जो है ड्राई फ्रूट चटनी है, ये अखरोट मगज और एप्रिकॉट सीड से बनाया जाता है, बादाम गिरी डलती है। और ये जो है बिच्छू बूटी की चटनी है, इसमें पुदीना डाला है। और ये जो है मिली मलोरी की चटनी है, जो मेडिसिन प्लांट्स है उसकी चटनी है। और ये शहद है। अच्छा। और लोकल शहद है सर, ये चिलड़े के साथ यूज होता है। और ये लिंगड़ है, और कड़ी है, और ये दाल। बेहतरीन बेहतरीन। सबसे पहले छोटरा टेस्ट करेंगे दाल के साथ, तो दाल कैसे में ऊपर डाल लो? डाल दो, कहीं भी डाल दो। सही है, बताओ। छोटरा, ये तो हमें पता भी नहीं था कि ऐसा भी कोई डिश होती है जिसका नाम छोटरा। कहीं भी डाल दो इसमें। थोड़ी बिच्छू बूटी वाली चटनी डाल लेंगे, और इसमें क्या घी भी ऐड करें? घी ऐड करते। घी में बड़ी खुशबू है, हैं? लोकल गाय का घी। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि मेरे को स्वाद कैसा लग रहा है। ये तो देखो फीका टेस्ट है, इसमें नमक भी अगर होगा तो ना के बराबर नहीं है। ठीक है, तो मेन तो स्वाद फीके के साथ दाल का, और आपकी इस चटनी का और घी का स्वाद है। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो ये अगर आपने एक छोटरा खा लिया तो आपका एक तरह से पूरे दिन की एनर्जी मिल गई, साथ में एक हल्का सा लंच भी हो गया। जी जी।
ये डाइजेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसीलिए जो हमारे बुजुर्ग मेहनती थे ये जो है तभी ट्रेडिशनल चीजें खाते थे और हेल्दी रहते थे और प्योर चीज है सभी। अच्छा एक बात है, ये बिच्छू बूटी की चटनी में क्योंकि थोड़ा सा पुदीना भी है ना तो उसका अपना स्वाद आ रहा है। हालांकि मैं पहली बार ही बिच्छू बूटी की चटनी खा रहा हूँ, आज ही खाई थी सुबह, तो मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन ओवरऑल इंटरेस्टिंग है। ठेवराम जी कह रहे हैं शोटरा का स्वाद अगर आपको इंजॉय करना है तो दाल से ज़्यादा मज़ा आता है कड़ी के साथ और राजमा के साथ, तो हम खा रहे हैं अभी कड़ी के साथ। स्वाद ही बदल गया पूरा, टेस्टी अलग हो गई। देखो दाल के साथ मेरे को अच्छा लग रहा था लेकिन कड़ी के साथ तो इंतहा टेस्टी है। कड़ी को हल्का हल्का जो खटास है ना, और ये एक चीज़ और बताओ, ये कड़ी में कुछ है भी अंदर, जैसे ये चावल है क्या है? नहीं, बेसन का वो सेमी बनाते हैं। अच्छा, और उसको डालते हैं और इसमें तो आलू भी है थोड़ा सा। बताओ आलू दही। मैं तो भी एक बाइट लिया और मुझे ऐसा लगने लगा है कि अगर किसी ने शोटरा कड़ी के साथ खा लिया तो आदमी फैन हो जाएगा इसका। हम लोग इतना हिमाचल में घूमे हैं लेकिन आज तक किसी ने हमें शोटरा और कड़ी की कहानी नहीं बताई। शोटरा दिखाया था कि नहीं पता होगा, लेकिन वो ये ना पुरानी जनरेशन में था, नेक्स्ट जनरेशन ने उसको कैच ही नहीं किया, और अभी तो ये समझ लो ट्रेलर है। ट्रेलर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कह रहे हैं मेरे पास 20 रेसिपी ऐसी हैं जिसके बारे में किसी को नहीं पता, मतलब क्योंकि इन्होंने इंटरेस्ट लिया और रेसिपी को पकड़ लिया, और जिसमें से आज हम ये 4 या 5 चीज़ ट्राई करें। लिंगड़ा वगैरह तो देखो बहुत कॉमन है, दाल तो है ही कॉमन, कड़ी कॉमन है, लेकिन ये हिडन रेसिपीज है। इसमें थोड़ा घी भी जाएगा, घी ज़्यादा जाएगा इसमें। अच्छा, जितना ज़्यादा आप चटनी और घी लगा सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, टेस्ट भी बढ़ेगा और हेल्थ भी बनेगी। वाह, आज तो दिल खुश हो गया। ये भी सही है, थोड़ा डिफरेंट स्वाद है क्योंकि इसमें ये तो फ्लैट है अंदर, नमक भी ना के बराबर है, आटे से बना हुआ है जी, जी। तो मेन जो स्वाद है वो चटनी का ही, चटनी का है और साथ में घी जी। गुड है, ये चिलड़ा है इसको शहद के साथ। अच्छा, तो इसका सबसे बेहतरीन कॉम्बिनेशन शहद के साथ है जी। शहद ही है और इसके साथ बड़ा लाजवाब। वाह, शहद भी देखो सही है ना। और सच बताऊं चिलड़ा तो देखो मैंने पहले 3-4 बार खाया है जी, लेकिन जो स्वाद बन रहा है ना वो आपकी शहद की क्वालिटी से, शहद की क्वालिटी से मेन चीज, स्वाद ही क्वालिटी का शहद की। ये खाने का स्वाद चटनी और दाल और घी, बड़ी बेहतर चटनी और शहद, इनसे ही बनता है। शहद की क्वालिटी बड़ी जबरदस्त है, मेन अपने को उसका स्वाद आ रहा है। बड़ा बहुत मज़ा आ रहा है। अब क्या करेंगे, लंच फिनिश करने के बाद ना हम जाने वाले हैं नज़दीक में एक वाटरफॉल विजिट करने। इनका कहना ये है कि इस वाटरफॉल के बारे में ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं है, हालांकि है ये 10 मिनट के डिस्टेंस पर ही, तो टूरिस्ट लेवल पे वाटरफॉल के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। तो हम ये फिनिश करने के बाद आपके साथ चलेंगे, अगर आप फ्री हो गए तो चलना, नहीं तो हम निकल जाएंगे। ठीक है जी, चलो बेहतरीन, मजा आ गया। लंच करके हम वापस नीचे की तरफ आ गए हैं, इस समय देखो 5 बज रहे हैं, लंच करना ही हमने कितना 4 बजे शुरू किया था, तो लंच के बाद इन्होंने जो होमस्टे में रूम बनाए हैं वो हमारे को दिखाए। अभी होमस्टे ऑपरेशनल नहीं है लेकिन आने वाले 3-4 महीने में हो जाएगा, तो इन्होंने कहा जो छोटा रूम है उसका चार्ज लेंगे 2 से 2.5 हज़ार की रेंज में, और जो बड़ा रूम है उसका 3.5 से 4 हज़ार की रेंज में। और खाना आपके यहाँ पे बेहद हमें पसंद आया, धन्यवाद, बहुत बढ़िया। इन्होंने वाटरफॉल जाने का रास्ता हमें बता दिया है, अभी कहीं ऑक्यूपाइड हैं तो कह रहे हैं आप सामने से निकल जाओ और 10 से 12 मिनट में आप आराम से पहुँच जाओगे। तो इस वाटरफॉल जहाँ हम जा रहे हैं इसका कुछ नाम भी है? चिलाडू वाटरफॉल। चिलाडू वाटरफॉल, ठीक है जी, पूछ के निकल जाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ओके जी, वाटरफॉल जाने का ना ये रास्ता ऐसा, तो मैं यहाँ जा ही रहा था तो किसी से बात हुई तो उन्होंने बताया
कि अगर कोई ट्रैक करके बछलियों जाना चाहता है ना, तो यहाँ से रास्ता है। तो यहाँ तो कुछ सीढ़ियाँ आगे चल कर वो प्रॉपर पहाड़ स्टार्ट हो जाएगा, और ये टोटल 10 किलोमीटर का रास्ता है। तो फिटनेस लेवल पे डिपेंड करता है कि आप कितने घंटे में पहुँचोगे, लेकिन आम आदमी 6-7 घंटे में कवर कर सकता है ये 10 किलोमीटर का सफ़र। और वहाँ पर कैंप करो और अगले दिन वापस आओ। बछलो भी इस एरिया की पीक है। आइए जी वाटरफॉल को चलेंगे। देखिए ये चलाड़ू देवता का मंदिर है, इन्हीं के नाम से ये वाटरफॉल है। यहाँ पर देखिए जब कोई आता है उनकी कोई मन्नत होती है, मन्नत मांगते हैं, मन्नत पूरी हो जाने के बाद यहाँ पर लोहे की कोई चीज़ वो चढ़ा के जाते हैं। ये सारा जो आप लोहे की आइटम्स देख रहे हैं ना, ये मन्नत पूरी होने के बाद लोगों ने चढ़ाई है यहाँ पर। आइए जी सामने देखो, वाटरफॉल की साउंड तो हमें सुनाई दे गई है। ओहो ये पानी देख लो आप, वाह क्या बात है, सही है। चलो आगे की ओर चलेंगे। अभी मैं थोड़ा सा और आगे आया हूँ और एक लकड़ी के ब्रिज के ऊपर खड़े होके मैं आपको ये व्यू दिखा रहा हूँ। पहले आप इस तरफ देखो, सामने आपको एक हट सी दिखाई दे रही है, उसके पीछे पानी है और एक लकड़ी का स्ट्रक्चर बना हुआ है, वो घराट है। तो आटे को पीसा जाता है, ये पुराने ज़माने में यही सिस्टम हुआ करता था जब चक्की नहीं हुआ करती थी, और आजकल भी यहाँ पर गाँव वाले यूज़ करते हैं, लेकिन हमेशा नहीं कभी कभी। और यहाँ से ये पानी नीचे निकल रहा है, ये स्ट्रीम है, और वहाँ जाके वो एक वाटरफॉल बना रहा है। वॉट अ ब्यूटी। और चारों तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रीनरी देखने को मिलेगी, सिर्फ हरियाली और पहाड़ हैं। और इस समय देखो शाम का टाइम है ना, तो हवा जो चल रही है उससे भी मेरे को ठंडा ठंडा सा लग रहा है, मतलब हाफ स्लीव स्वेटर पहन लूँगा तो भी सही रहेगा। सही है, आओ फॉल की तरफ चलेंगे। ये भी सही व्यू है, सामने देखो एक बड़ी सी चट्टान के ऊपर से जो वाटर स्ट्रीम है वो नीचे गिर रही है। वैसे तो देखो वहाँ पर नीचे जाके ना बैठ सकते हैं, अगर कोई बैठना चाहे तो अच्छा समय बिता सकते हैं, थोड़ा पानी में पाँव भी डाल सकते हैं। लेकिन मैं ना नीचे नहीं उतर रहा, क्योंकि नीचे यहाँ उतरने का रास्ता थोड़ा स्टीप है। यहीं से मैं फॉल को देख रहा हूँ, अच्छा लग रहा है। और जैसे मैंने कुछ देर पहले बताया था ना कि हवा चल रही है तो थोड़ा थोड़ा ठंडा भी लग रहा है। और इस समय यहाँ एरिया इतना ज़्यादा डेंस है, जैसे आप चारों तरफ देखो पेड़ हैं और ऊपर का थोड़ा सा एरिया जो खाली है, तो इसकी वजह से धूप यहाँ जल्दी निकल जाती है। मान लो अगर बाहर की तरफ धूप 5:30 बजे हट रही है, तो यहाँ पर 1 घंटा पहले ही आपको धूप दिखनी बंद हो जाएगी, मतलब ये पूरा डेंस एरिया है। सही है, अच्छा हो गया हम यहाँ पर भी आ गए। कुल मिला के यहाँ आने में मुश्किल से 10-12 मिनट का टाइम लगा है, तो ट्रैक के नाम पे लो डिफ़िकल्टी ट्रैक कह सकते हैं। चलिए जी 5-10 मिनट यहाँ रुकते हैं, थोड़ी फोटोग्राफी करते हैं, फिर हम ऊपर को ऊपर की ओर चलेंगे और उसके बाद रिटर्न। अब हम थोड़ा बाहर की तरफ आ चुके हैं, अब मैं यहाँ से वॉक करके थोड़ा 5-10 मिनट आगे चलता हूँ, फिर वहाँ चलकर हम लोग टैक्सी पे बैठ जाएंगे। थोड़ा सा मेरा मन हो रहा है कि शाम का समय ना अच्छा लग रहा है मेरे को चलना। अगर आप बस पे यहाँ आना चाहते हैं तो आपको बंजार से बस मिल जाएगी, दिन में 5-6 बसें हैं। इसी प्रकार से यहाँ से भी रिटर्न बस बंजार की ओर जाती है। प्राइवेट टैक्सी में ड्रॉप लेना चाहते हो तो वो भी हो जाएगा, बट उसका चार्ज लगभग 2,500 रुपये रहेगा, क्योंकि मैंने पता लगा था सारची का वो लोग 2,500 लेते हैं बंजार से, बाकी थोड़ा 19-20 हो सकता है। यहाँ आकर आपको क्या देखने को मिलेगा, हमने देखा वाटरफॉल है, गांव की शांति है, और ये नदी को आप नज़दीक से देख सकते हो, किसी चट्टान में जाके बैठ जाओ आपका अच्छा खासा समय यहाँ पे निकल जाएगा। तो ये जगह अच्छी है, स्पेशली आज हमने लंच बहुत इन्जॉय किया। मुझे ऐसा लगा कि कभी मैं फ्यूचर में भी यहाँ आया, या कोई भी अगर यहाँ आता है और आप तीर्थन में भी रह रहे हैं तो यहाँ पर आप आ सकते हैं, एंड यू कैन एक्सप्लोर लोकल फूड इस जगह। ग्रेट ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस। अब हम यहाँ से चलते हैं और थोड़ा आगे जाने के बाद अपनी गाड़ी में बैठेंगे और फिर हम चलेंगे बंजार को। और बंजार पहुँचते पहुँचते मेरे को लगभग 7:30 का टाइम हो गया, हो जाएगा अभी 6:30 तो हो गए हैं। आइए थोड़ा सा व्यू देखो और फिर मैं आपको 1 घंटे बाद ज्वाइन करूँगा।
कीर्तन से जब हम बंजार की ओर आ रहे थे तो अचानक तेज बरसात स्टार्ट हो गई। पहुंचने में हमें थोड़ा लेट हो गया, इस वजह से हम आउटरो फॉर द डे नहीं बना सके। ये एपिसोड हमारा यहीं पर समाप्त हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ आपने ये जर्नी इंजॉय करी होगी। अगले एपिसोड में आप देखेंगे हम ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क गए। हमने जीबी वाटरफॉल भी देखा और इस एरिया को बहुत नजदीक से एक्सप्लोर किया। जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक्स फॉर योर टाइम।